हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी फ्यूचर में आपका स्वागत है। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल में यूज़ मेमो। ओके, तो यूज़ मेमो क्या होती है, क्या कैसी चीज़ है, ये सारी चीज़ें आज हम प्रैक्टिकली और एक्सप्लेन करके सारी चीज़ें हम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि हम यहाँ पर हुक कर रहे हैं, मतलब रिएक्ट के हुक्स कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, और रिएक्ट के बहुत सारे हुक्स हमने कवर किए। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा हुक्स के वाले डिपार्टमेंट के अंदर रिएक्ट जेएस के यूज़ मैमो। ओके, तो अभी यहाँ पर मैं वीएस कोड पे चलता हूँ यहाँ पर, और डायरेक्टली आपको यहाँ पर मैं सारी चीज़ें प्रैक्टिकली आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या होती है ये सारी चीज़ें। ओके, उससे पहले थोड़ी चीज़ें हम यहाँ पर करेंगे, और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ये देखो, मैंने कंपोनेंट ऑलरेडी यहाँ पर यूज़ मैमो का बना दिया, और फिर यहाँ पर यूज़ मैमो वाली फाइल भी बनाकर इसे मैंने डायरेक्टली यहाँ पर मैंने उसे यूज़ भी कर लिया। ओके, इस कंपोनेंट को मैंने यूज़ भी कर लिया हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर बना के रखा हूँ, और फिर यहाँ पर मैंने आउटपुट भी यहाँ पर डाल दिया। ओके, तो मतलब आउटपुट भी यहाँ पर हमारी जो रिएक्ट जो ऐप है वो भी मैंने स्टार्ट कर दिया मतलब। ओके, तो अभी यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें करूँगा यहाँ पर उससे पहले, ताकि आपका यूज़ मेमो यूज़ क्या है, यूज़ मेमो करती क्या है, उससे पहले थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आने के लिए यहाँ पर हम कुछ चीज़ें करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले H1 टैग के अंदर मैं यूज़ मेमो डाल देता हूँ। ओके, तो ये देखो ये मैं डाल दूंगा, और फिर यहाँ पर मैं दो बटन बनाता हूँ। ये देखो, एक एडिशन वाला बटन और एक सब्सट्रैक्शन वाला बटन बनाऊंगा, और फिर यहाँ पर मैं एडिशन डाल दूंगा। ओके, और नीचे वाले पे सब्ट्रैक्शन में डाल दूंगा। ओके, तो अब सही है, यहाँ पर ये चीज़ें तो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अभी मैं यहाँ पर क्या करना चाहूँगा, ये जो एडिशन सब्ट्रैक्शन, इसके अंदर मैं डेटा को कुछ मैनेज करना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, यूज़ स्टेट की मदद लेनी पड़ेगी बराबर। तो ये देखो, कॉन्स्ट डालकर मैं यहाँ पर करी बेसिस यूज़ करके यहाँ पर एक ऐड और एक सेट ऐड, क्योंकि ये देखो सेट इंटरवल आ गया, सेट ऐड। बेसिकली यहाँ पर क्या करना है कि मुझे ये जो एडिशन वाला जो बटन है ना, इसके अंदर ना मैं यहाँ पर इस बटन को क्लिक करते वक्त कुछ नंबर जो हो वो ऐड हो। ओके, तो वो नंबर जो है ऐड हो, एडिशन वाले पे ऐड हो और सब्ट्रैक्शन वाले पे माइनस हो, यही इतनी चीज़ें होनी चाहिए। तो यही चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। ये देखो, अभी यहाँ पर माइनस एडिशन के लिए मैंने बना दिया, अभी माइनस के लिए भी मैं बना देता हूँ, माइनस और सेट माइनस, सेट माइनस। ओके, तो अब सही है, और फिर यहाँ पर यूज स्टेट, इसको मैं यहाँ पर क्या करता हूँ 50 में कर देता हूँ, काम करता हूँ 50 रख लेता हूँ माइनस, ताकि 50 से माइनस होते हुए नीचे आए। ओके, अभी यहाँ पर मैं ऑन क्लिक इवेंट में डालूंगा, बेसिकली ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर है वो। ओके, जिसे हम यहाँ पर एक टाइप का मेथड भी आप बोल सकते हो बेसिक लेवल पे अभी फिलहाल के लिए, बट आगे आप ये एक टाइप की इवेंट हैंडलर है गाइस, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मैं यहाँ पर इस सेट ऐड को यूज़ करके, ये देखो सेट ऐड को यूज़ करके मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर कर दूंगा, ऐड प्लस वन कर दूंगा। ओके, और फिर यहाँ पर नीचे मैं इसकी जो इनिशियल वैल्यू जो हमने यहाँ पर यूज़ स्टेट में बनाया, इनिशियल और फाइनल स्टेट, तो यहाँ पर मैंने फाइनल स्टेट तो यहाँ पर डाल दिया, इनिशियल स्टेट मतलब हमें जो वैल्यू चेंज करनी है वो वाली मैंने ऊपर डाल दिया था, बट यहाँ पर इनिशियल वाली वैल्यू अभी फिलहाल के लिए नीचे हमें यहाँ पर डालनी पड़ेगी बराबर। तो ये जो है ये मैंने डाल दिया अभी, ये देखो, और यहाँ पर मैं स्पैन डाल के, और फिर यहाँ पर मैं माइनस भी डाल देता हूँ। ओके, नीचे वाले पे सब्सट्रैक्शन पे माइनस डाल देता हूँ, और फिर सेम चीज़ यहाँ पर भी मुझे इवेंट हैंडलर लगानी पड़ेगी बराबर, ताकि हम क्लिक करें तब जाकर ये सारी चीज़ें हो। यहाँ पर इसको हटाकर मैं बस माइनस डाल दूँ, और फिर यहाँ पर ये जो है एडिशन के बदले हमारी जो माइनस है वो मैं डाल देता हूँ। ओके, माइनस, और फिर थोड़ा सा यहाँ पर मैं स्पेस दे देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियरली समझ में भी आ जाए, ताकि यहाँ पर हो क्या रहा है, वरना फिर इस चीज़ में ही कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो पूरी टॉपिक आपकी क्लियर नहीं हो पाएगी। ओके, तो अभी यहाँ पर ये जो चीज़ है ये सही है बराबर। ओके, तो अभी यहाँ पर मैंने ऐड भी डाल दिया, ये सारी चीज़ें मैंने डाल दिया। ये देखो, अभी ये जो है ये पूरी एक लाइन में आ चुकी है, तो अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको मैं लाइन यहाँ पर मैं ब्रेक कर देता हूँ ताकि ये नेक्स्ट लाइन में आ जाए। ओके, ये सारी चीज़ें, और रिएक्ट जेएस के अंदर यहाँ पर पूरा VR को भी टैग को भी क्लोज करना पड़ता है, ये ऐसा कुछ JSX एलिमेंट का यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम होती है ये सारी चीज़ें। ओके, तो यहाँ ये देखो, ये यहाँ पर ये देखो माइनस पे भी हमने यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस नहीं दिया, वरना फिर वो फंक्शन कैसे यूज़ करेगा हमारी ये जो यूज स्टेट वाली, इसको कैसे यूज़ करेगा। ओके, तो ये देखो अभी ये सारी चीज़ें बराबर है, बट ये बटन नहीं लग रहा है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन फिलहाल के लिए आप अंडरस्टैंडिंग के लिए समझिएगा। ये देखो ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पर ऑलरेडी 5-6 हो चुकी है, ये देखो सब्सट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें भी हो गई है। एक काम करता हूँ मैं इसे पूरी तरह से रिलोड करता हूँ, हाँ अब सही है बराबर, और फिर इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर जूम कर लेता हूँ, कहाँ चली गई,
जूम कर लेता हूँ और इस तरफ ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट पे अपना कंसोल ओपन कर लेता हूँ। कंसोल यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ। ओके ये देखो, एडिशन कर रहा हूँ, एक एक चीज़ बढ़ रही है बराबर। सब्स्ट्रैक्शन कर रहा हूँ, माइनस हो रही है, 50 से 45 तक चली गई बराबर। तो ये जो है ये सारी चीज़ें प्रॉपरली वर्क कर रही है। अभी मैंने यहाँ पर बटन बना दिया, इवेंट हैंडलर डाल दिया, ये सारी चीज़ें मैंने डाल दिया। और फिर यहाँ पर ये जो है यूज स्टेट की मदद से हमने यहाँ पर इसका डेटा जो है, इसकी नंबरिंग, ये सारी चीज़ें हमने हैंडलिंग कर ली। अभी यहाँ पर मुद्दा आता है एक्चुअली यहाँ पर यूज़ मेमो है क्या। ओके तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ, एक फंक्शन जिसके अंदर होगा मल्टीप्लाई। ओके उसको मैं यहाँ पर मल्टी डाल दूंगा, और फिर इस फंक्शन को कंप्लीट करके यहाँ पर एक clj डाल के कंसोल डॉट लॉग में डाल देता हूँ, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ टेस्टिंग। टेस्टिंग ऐसा मैं डाल देता हूँ क्योंकि हम यहाँ पर फिलहाल एक टेस्टिंग कर रहे हैं। और फिर यहाँ पर इस फंक्शन को रिटर्न करवा देंगे एड मल्टीप्लाई बाई 5। ओके तो ये देखो डबल बार यहाँ पर स्पेस बराबर। तो अभी ये जो मल्टी है उसे मैं यहाँ पर कॉल कर दूंगा यहाँ पर नीचे। ओके तो ये जो है यहाँ पर नीचे ये करने क्या वाला है वो चीज़ आपको यहाँ पर अभी समझेगा। ओके तो ये देखो यहाँ पर हमारी मल्टी को ले लूँगा, और फिर यहाँ पर ये पूरे फंक्शन है बराबर। तो फंक्शन को पूरा पूरा ब्रैकेट डालना पड़ेगा, हमें यहाँ पर सारी चीज़ें कंप्लीटली अच्छे से डालनी होगी, ये देखो, वरना फिर इशू देगा बराबर। ये बेसिक लोगों के लिए थोड़ा सा यहाँ पर बता रहा हूँ, वरना ये सारी चीज़ें ये जो है ये सब सिंपल लॉजिक है, ऑलरेडी आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए। ओके अभी यहाँ पर मैंने इस मल्टी को, ये देखो एक फंक्शन बनाया, उस मल्टी को यहाँ पर यूज़ कर लिया। उसके अंदर मैंने क्या किया हूँ, ये जो ऐड है, और ऐड किसका, इसका ऑन क्लिक इवेंट का है, मतलब ऑन क्लिक इवेंट का बोल रहा हूँ, ये जो एडिशन है इस वाले बटन का है ऐड, और उसका हमने यहाँ पर स्टेट भी मैनेज करके रखा। उस ऐड को मैं यहाँ पर इस फंक्शन में डाला हूँ ताकि यहाँ पर जब भी कोई एडिशन हो तो उसके साथ मल्टीप्लाई होकर भी ये भी चले, ये फंक्शन भी चले बराबर। तो अभी यहाँ पर ये देखो 25 है बराबर, ये देखो मैं इसको कर रहा हूँ, यहाँ पर डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो रहा है और 30 भी चल रहा है, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, पूरा रिलोड करता हूँ एक बार, ये देखो रिलोड कर दिया, ये देखो फंक्शन ऑलरेडी चलने लगी है यहाँ पर, ये जो फंक्शन है ऑलरेडी यहाँ पर चलने लगी है। अभी ये जो है एडिशन पे चल रहा है बराबर, ठीक है एडिशन के लिए हमने लगाया तो एडिशन चल रहा है, बट सब्स्ट्रैक्शन हम करते वक्त भी ये टेस्टिंग क्यों चल रही है। ओके तो ये जो है यहाँ पर ये जो मुद्दा आता है यूज़ मेमो का, यहाँ पर ये देखो मैंने लगाया हूँ एडिशन पे बराबर, यहाँ पर ऐड मैंने लगाया हूँ, यहाँ पर एडिशन पे चल रहा है, ठीक है ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई, बट यहाँ पर सब्स्ट्रैक्शन पे कर रहा हूँ तो तभी भी यहाँ पर टेस्टिंग यहाँ पर चल रही है। मतलब ये फंक्शन है वापस से रिकॉल हो रहा है, और ये फंक्शन पूरा इसकी मेमोरी ले रही है रिएक्ट जेएस की, और ये वापस से रिलोड हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही है। तो यहीं पर मेन मुद्दा आता है कि गाइस मतलब यहाँ पर जो है हमें ये जो एक्स्ट्रा जो फंक्शन चल रही है ये सारी चीज़ें नहीं चलनी चाहिए। जब एडिशन पे चलना चाहिए तो सिर्फ एडिशन पे ही ये फंक्शन चलनी चाहिए, ना कि सब्सट्रैक्शन पर। सब्सट्रैक्शन पर बेवजह चल रहा है, और हमारी जो एप्लीकेशन की जो एफिशिएंट है, हमारी जो एप्लीकेशन की स्पीड है, ये सारी चीज़ें वो यूटिलाइज करके थोड़ा स्लो डाउन कर दे रहा है। इस चीज़ की वजह से इन फ्यूचर बड़ा रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन भी बनाओगे तब यहाँ पर आप सिक्योरिटी पर्पज भी प्रॉब्लम दे सकती है, और बहुत सी चीज़ें यहाँ पर हो सकती है इस चीज़ के ऊपर, और आपका एप्लीकेशन भी स्लो डाउन हो सकता है। इन फ्यूचर आप डायरेक्टली आप किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हो तब आपकी एप्लीकेशन स्लो चलोगी, तो स्लो चलेगा तो आपको यहाँ पर बड़ी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो अपने को यहां पर क्या करना है कि ये जो फंक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ एडिशन के लिए चलना चाहिए। यहीं पर मेन मुद्दा आता है गाइस, ये देखो फंक्शन जो है इसके अंदर हमें कुछ यहां पर मैं लाइन ऐड करूंगा जिसकी मदद से हमें यहाँ पर, मतलब जिसकी मदद से हमें यहाँ पर ये सारी चीज़ें कॉस्ट एफिशिएंट हो जाएगी, मेमोरी एफिशिएंट हो जाएगी, और आपकी एप्लीकेशन थोड़ी बूस्ट लेवल पे हो जाएगी। ओके तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन पूरा मैं डाल देता हूँ। ओके इस फंक्शन को मैंने यहाँ पर मैंने नाम दे दिया हूँ, ये देखो अब सही है स्पेलिंग, हाँ मल्टीप्लीकेशन मैंने पूरा नाम दे दिया हूँ, और इसके बाहर मैं लिखने वाला हूँ यूज़ मैमो। ओके यूज़ मैमो लिखकर यहाँ पर इसको मैं ब्रैकेट में ले लूँगा, और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस के बाजू में एक और ब्रैकेट आ जाएगा बराबर। अभी ये जो है ये सही है। अभी मुझे यहाँ पर क्या करना है कि ये जो है ये मल्टीप्लीकेशन ये सिर्फ और सिर्फ एडिशन में ही चले, तो मैं यहाँ पर इसकी ये जो इनिशियल जो हमारी वैल्यू है यूज़ स्टेट की वो मैं डाल दूंगा बराबर। अब सही है, अभी ये जो मल्टीप्लीकेशन है वो मैं नीचे ले जाके यहाँ पर मल्टी के जगह पर मल्टीप्लीकेशन में डाल दूंगा। ओके मल्टीप्लीकेशन, ओके अभी यहाँ पर ये सारी चीज़ें सॉर्टेड है, तो मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें डाल दिया। ओके ये देखो यहाँ पर मैं चलता हूँ, और फिर यहाँ पर ये देखो कुछ चीज़ें यहाँ पर एरर आ रही है, हमने शायद कुछ चीज़ें यहाँ पर मिस करी हो,
कुछ चीज़ें ऐसा हो सकता है, ये देखो ये शायद हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें मिस की हो, ये देखो यूज़ मेमो हमने ऊपर इंपोर्ट नहीं किया इसके वजह से यहाँ पर, ये देखो यूज़ मेमो मैंने डाल दिया। अभी यहाँ पर यूज़ मेमो जो है, ये देखो यूज़ मेमो का यू कैपिटल आएगा, ओके। अभी यहाँ पर सही है, एक काम करता हूँ, मतलब कैपिटल में स्मॉल में ही आएगा, ये देखो नीचे मैंने यहाँ पर कैपिटल में डाल दिया, ऐसा हो गया। अभी यहाँ पर सही है, अभी सॉर्टेड है, ओके। तो अभी यहाँ पर चलता हूँ मैं ब्राउज़र पे, ये देखो इसको मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ पुरानी वाले को। ये देखो अभी एडिशन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, टेस्टिंग चल रही है। सब्स्ट्रैक्शन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, सब्स्ट्रैक्शन हो रहा है। और टेस्टिंग यहाँ पर ये जो फंक्शन है वो यहाँ पर नहीं आ रही है, बराबर। तो अच्छे से यहाँ पर आपको अभी समझा होगा यूज़ मेमो। बेसिकली जो यूज़ मेमो है ना गाइस, ये आप जावास्क्रिप्ट जब कंप्लीट आप पढ़े होगे तब यहाँ पर आपको समझा होगा। मेमोइजेशन है ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट में एक टॉपिक, जहाँ पर यही सेम लॉजिक वहाँ पर अप्लाई होती है और बहुत सी फंक्शन को यहाँ पर री इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें यहाँ पर बचा लेती है, और हमारी जो एप्लीकेशन जो होती है जावास्क्रिप्ट की उसे थोड़ी एफिशिएंट बना देती है और थोड़ा फास्ट बना देती है और ईजी बना देती है, ओके। तो वही चीज़ यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर, आई मीन रिएक्ट जेएस के अंदर यूज़ हो रहा है, यूज़ मैमो करके एक हुक के द्वारा, ओके। तो ये देखो एडिशन करते वक्त हमारी ये जो फंक्शन है बराबर वर्क कर रही है और प्रॉपरली वर्क कर रही है, एडिशन भी हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन भी हो रहा है, और ये पूरी सारी चीज़ें ये लॉजिक चल रही है, ओके, इस इवन हैंडलर यू क्लिक करते ही। तो यहाँ पर और माइनस पे करते वक्त बराबर वो खुद का माइनस ही देख रहा है, और यहाँ पर कोई टेस्टिंग वगैरह नहीं आ रहा, इसको डिलीट भी कर देता हूँ, ये देखो नहीं आ रहा बराबर। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझा होगा यूज़ मैमो, एकदम सिंपल टॉपिक है, ज़्यादा कुछ टफ था ही नहीं, बहुत इजी टॉपिक था, ओके। तो इससे ज़्यादा इजीली एक्सप्लेन तो कोई नहीं कर सकता, बहुत अच्छे से यहाँ पर समझाया मैंने। तो यहाँ पर अगर आपको फिर भी यहाँ पर डाउट रहता है कुछ भी, तो आप वीडियो को थोड़ा आगे पीछे करके देख लीजिएगा, अगर फिर भी कुछ रहता है तो आप कमेंट सेक्शन पर आप पूछ सकते हो, ओके। तो वीडियो को मैं यहीं पर मैं ख़त्म करना चाहूँगा। ख़त्म करने से पहले एक ही चीज़ बोलूँगा, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करा गाइस, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।